कोरोना महामारी के चलते चारों ओर लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में कई परेशानियों का सामना किसान कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से रामटेक के नंदापुरी गांव के किसान काशीनाथ नौकरकर के खेत में सब्जियां पड़े पड़े खराब हो रही है। कोरोना महामारी से देश में संकट की घड़ी आई है। इस कठिन दौर में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मजदूर और किसानों का हो रहा है। अत्यावश्यक सुविधाएं शुरू रहने के बावजूद किसान आज अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि यातायात सुविधा पूरी तरह से बंद है। खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं है। कोरोना महामारी के डर से सभी मजदूर घर पर बैठे हैं। ऐसे में खेत से सब्जी तोड़ने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा है। रामटेक के नंदापुरी गांव के किसान काशीनाथ नौकरकर ने अपने खेत में टमाटर, बैंगन, भिंडी जैसी कई तरह की सब्जी भाजी लगाई है, लेकिन टमाटर, भिंडी, बैंगन नहीं तोड़ने की वजह से खेत में ही खराब हो रहे हैं। बड़ी मेहनत कर किसान ने अपने खेत में सब्जी उगाई है। सब्जी भाजी का उत्पादन भी काफी अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी आज उन पर आर्थिक संकट आया है, क्योंकि सब्जी भाजी तोड़ने के लिए कोई मजदूर ही उपलब्ध नहीं है। यातायात बंद है, बल्कि बाजार भी बंद रहने की वजह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के डर से भी निजी वाहन उनका माल ले जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में खेत में ही सब्जी भाजी पड़े पड़े खराब हो रही है। अच्छी सब्जी भाजी अब पशुओं का खाना बन रहा है। इस गंभीर समस्या पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, ताकि अन्नदाता किसान का नुकसान ना हो। एक और प्राकृतिक संकट से किसान पहले ही परेशान है, और अब कोरोना महामारी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इनबीसीएन न्यूज के लिए एकता गहरवार की रिपोर्ट।